तो शहजादा जुल्फिकार साहब, क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है बलूचिस्तान में आपको? आज वहां पर एक प्रोटेस्ट में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप बलूचिस्तान में? पूरे मुल्क जी, पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बलूचिस्तान पर पड़ेगा जरूर। बलूचिस्तान में अनसर्टेनिटी है इस वक्त, वो देख रहे हैं कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, यानी वो दोबारा से पीडीएम क्या एक दोबारा से वो होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है और वो हुकूमत बनाते हैं। एमक्यूएम ने भी इशारा दे दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जो रवैया या जो लहजा एमक्यूएम का इस वक्त है वो उनके जो बानी है, यानी लंदन में वो इल्ताफ हुसैन साहब का इशारा कर रहे थे, इनका लहजा उसी तरह है, इनसे इत्तेहाद मुश्किल है। तो अभी शुरू से ही ये बात उन्होंने कह दी, तो मेरे ख्याल में उनको भी पता चल गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आएंगे, एमक्यूएम नून की तरफ जाएगी। अब नून और वो एमक्यूएम और पीडीएम मिलके पीपल्स पार्टी क्या रोल अदा करती है ये देखना पड़ेगा। अगर तो पीपल्स पार्टी और नून और एमक्यूएम और दीगर जमातें अगर हुकूमत बनाती हैं वफाक में, तो एक बड़ा अच्छा असर उसका ये पड़ेगा बलूचिस्तान में कि बजाय इसके वहां भी चूचू का मरबा बनकर एक दूसरे के खिलाफ, वो फिर ये कर सकते हैं, दो बड़ी तीन बड़ी पार्टियां इस वक्त जेयूआई बड़ी पार्टी वहां पर 9 सीट साथ है जी। या 8 उसकी अभी तक है, और नून की 9 है और 11 पीपल्स पार्टी की हैं, वो मिलके अगर हुकूमत बनाएंगे एक पायदार हुकूमत भी होगी, कुछ रूल्स ऑफ गेम भी सेट हो जाएगा। और वरना ये होगा कि पिछला जिस तरह हुकूमत थी कि वजीर आला साहब 3 दिन सोए हुए थे, डेवलपमेंट फंड का पता नहीं है कि कहाँ चला गया, गवर्नेंस तबाह थी, किसी का कुछ पता नहीं, और पोस्टिंग ट्रांसफर इस तरह हो रहे थे कि सुबह शाम, तो शायद मेरे ख्याल में अब ये रियलाइजेशन है। दूसरा, आपने बिल्कुल एक इनिशियल अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का आपने बयान जो है वो किया, मेरे ख्याल में इस मौके पर बड़ा बर वक्त है। इस मौके पर ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी इलेक्शन ये सारा कुछ लोगों ने अपना वो दे दिया, रायदेही दे दी, अब उनके नुमाइंदे जो हैं रूल करेंगे लोग, उनके नुमाइंदे उसी तरह उनके ख्वाहिश का एहतराम करके मुल्क को आगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।